हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। इन द प्रीवियस वीडियो वी इम्पॉर्टेंट स्टडीज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द एसिडिक मीडियम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ बॉर्ड्स। यस, तो आज अपन इसी टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करते हुए क्या करते हैं, न्यू जो हेडिंग जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कंसिडर करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। यस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यूजुअली ऑक्सीडेशन जो हम कर रहे हैं अल्कोहल का, उस केस में वी कंसिडर सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मिल्ड एंड मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, अगर उसको अपन यूज लेते हैं तो जो अल्कोहल जो होता है उनका ऑक्सीडेशन होगा किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड्स में। यस, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो है क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज इंटू एल्डिहाइड्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज इंटू कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट और मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इफ़ वी कंसिडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यस, देन कीटोन इज ऑल्सो ऑक्सीडेटेड इंटू कार्बोक्लिक एसिड विच कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कम्पेयर टू इनिशियली अल्कोहल। यस, वाइल एल्डिहाइड इज ऑलरेडी इजिली ऑक्सीडाइज विदाउट स्ट्रॉन्ग यूजिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यस, तो क्या हो सकता है, सो हेयर वी कंसिडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर मे बी आर मे बी हम यहाँ पे जो लेंगे क्या लेंगे, एल्कलाइन एसिडिक या न्यूट्रल ले सकते हैं। और एसिडिफायर KMnO4, K2Cl2, O7, Na2, K2O7, dilute HNO3, concentrated H2SO4, etc. These all are oxidizing agents. Yes. तो यूजली हमें लर्न क्या रखना है, हमें कंसेप्ट क्या लर्न रखा है, अगर हम क्या करते हैं, इफ़ वी कंसिडर प्राइमरी अल्कोहल इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू फर्स्ट एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड इज फर्दर इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्लिक एसिड। यस, एल्डिहाइड जो होता है इजीली कार्बोक्लिक एसिड जो है उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड इफ वी कंसिडर सेकेंडरी अल्कोहल, सो वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कोई भी लेते हैं, उस केस में क्या होता है, क्या बनता है, कीटोन बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है कीटोन होता है, कीटोन में ऑक्सीडाइज होता है। और हम क्या करते हैं, कीटोन का जो फर्दर अगर अपन ऑक्सीडेशन करते हैं इन द ड्रास्टिक कंडीशंस, कुछ हाई टेम्परेचर वगैरह उसको अप्लाई करके, पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर और कैटलिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसको एसिडिक मीडियम में यूज लेते हैं तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो होती है बढ़ जाती है। तो हम कंसिडर हैं यहाँ पे कंसिडर एसिडिक KMnO4 को अगर कंसिडर करें। यस, यस, ड्रास्टिक कंडीशन में सच अपन ने क्या लिया है, इसका एसिडिक KMnO4 लिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कंसिडर कर रहे हैं। उस केस में क्या होता है, कार्बोक्लिक एसिड ये जो होते हैं क्या होते हैं, हैविंग
लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किससे लेस? इनिशियली अल्कोहल जाता है, देन इनिशियल अल्कोहल। यस, ये बेसिक लाइन रखना है। और टर्शियरी अल्कोहल को कंसिडर करें, वो ईजिली, वो भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ईजिली ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो सकता है, फिर भी अगर हम कंसिडर करें ऑक्सीडेशन हम करते हैं इसका, तो क्या बनता है? वही ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करते हैं, रेडिली इजिली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कह सकते, लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन को कंसिडर करें तो नहीं होता है। किस में ऑक्सीडाइज होता है? केटोन प्लस कार्बोक्लिक एसिड है। यस, और ये दोनों जो तो क्या करते हैं, हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कंपेयर टू इनिशियली अल्कोहल। यस, तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल जो होता है क्या होता है? लेस कार्बन कंटेनिंग, लेस कार्बन कंटेनिंग जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेस का मीनिंग होता है रिएक्टेंट में अगर कंसिडर करें तो प्रोडक्ट जो हमें फाइव अगर मैंने कंसिडर किया तो यहाँ पे जो भी मिलेगा वो फाइव से लेस वाले ही एसिड मिलता है। बट प्राइमरी अल्कोहल जो होता है यहाँ पे कार्बोक्लिक एसिड जो मिलता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? सेम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। बेसिक आपको कॉन्सेप्ट ही लर्न। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का फर्दर इजीली अगर अपन यहाँ पे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन को स्टॉप नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन जो होता है विदाउट एनी स्टॉपेज सीधा ही किस में चेंज होता है? कार्बोक्लिक एसिड में। ये कार्बोक्लिक एसिड्स एंड इनिशियली अल्कोहल्स हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इन द केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल फर्स्ट इट इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन्स, कीटोन जो होता है ऑक्सीडेशन होने के बाद स्टेबल कंपाउंड होता है, इसको ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। फर्दर हम क्या करते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ड्रास्टिक कंडीशन कुछ अप्लाई करते हैं। यस, उस केस में क्या होता है? दिस इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्लिक एसिड्स हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कम्पेयर टू इनिशियली अल्कोहल्स, एंड सिमिलर कंडीशन फॉर दैट टर्शियरी अल्कोहल्स। ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम यूज लेंगे और हीट भी करेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन एंड कार्बोक्लिक एसिड मिलता है। तो कीटोन एंड कार्बोक्लिक एसिड जो होते हैं इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं, इनिशियली अल्कोहल लिया था, पेरेंट मॉलिक्यूल लिया था, उससे क्या होते हैं? लेस होते हैं। यस, अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स उसको कंसिडर करते हैं। ये हमें याद रखना है, दिस इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट। CH3CH2OH, this is ethanol. Yes, if we consider oxidizing agent K2Cr2O7, हम यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किस क्या होगा? फर्स्ट तो क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। फर्दर मोर जो इजीली ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन एजेंट हमने यही रखा है या रिएक्शन को किसी प्रोसेस करो स्टॉप नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू दिस इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्लिक एसिड। इनिशियली रिएक्टेंट पर ले रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स में टू मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सी एटम्स कार्बन एटम्स इक्वल टू क्या है? इसमें टू है इनिशियली में, एंड फाइनली जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? दिस इज इथेनोइक एसिड। Having same number of carbon atoms, इसमें भी number of carbon atoms क्या है? टू है। सो इनिशियली हमने जो reactant लिया था उसमें और number of carbon atoms और finally जो product मिला है
उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं इन द केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, एंड दिस इज एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। यस, एसिडिक एल्डिहाइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल भी कह सकते हैं, दिस इज आई पी सी नेम। यस, इफ यू कंसिडर हेड सेकेंडरी एग्जाम्पल, सेकेंडरी अल्कोहल, we consider oxidizing agent K2Cr2O7, क्या बनेगा, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल नॉट फॉर कीटोन, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। यस, फर्दर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, मैंने क्या लिया यहाँ पे, एसिडिफाई के एमिनो को कंसिडर कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ड्रास्टिक कंडीशन हीट वगैरह इसको ले रहे हैं, इस केस में क्या बनेगा, दिस इज ऑक्सीडाइज इनटू, एंड सम केस CO2 प्लस H2 के फॉर्म में भी, बिकॉज इसका फर्दर और ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एसिड्स होते हैं, इसमें एसिड में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 2 है, ये एसिड बन रहा है, 1 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, इसमें 3 कार्बन आइटम्स है, सो प्रोडक्ट इज अ फॉर्म हैविंग लेस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, सो दिस इज अ कीटोन। कीटोन जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, दिस इज अ प्रोपेन टू ऑल सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। फर्स्ट जो है क्या होगा, कीटोन में ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन जो होता है इजिली नहीं होता है, मोर स्टेबल होता है, नॉट रेडी ऑक्सीडाइज। यस, तो किस में कन्वर्ट होता है, देखिए यहाँ पे रीजन भी होता है, कीटोन ऑक्सीडाइज इजिली क्यों नहीं होता है, क्योंकि कार्बोनिल ही कार्बन है, इसके पास में हाइड्रोजन नहीं होता है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पूछे तो क्यों नहीं होता है, स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन विद कार्बोनिल कार्बन। यस, यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बोनिल कार्बन इसमें एक हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन कह सकते हैं, बट ये हाइड्रोजन इजिली क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, बट यहाँ पे कीटोन के पास में ये नहीं होता है, तो इस वजह से क्या होता है, इजिली रेडिली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। यस, एंड इन द केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल तो स्टार से ही इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बिकॉज इसमें देखिए यहाँ पे कार्बन, ये जो कार्बन है एक्टिव अल्फा कार्बन, इसके साथ में कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इजिली ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो क्या करते हैं अपन, वही एसिडिफाइड मीडियम लेते हैं KMnO4, काफ़ी हीट और ड्रास्टिक कंडीशन बेसिकली अपन यूज़ लेंगे, रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए अपन हीटिंग जो है टेम्परेचर अप्लाई कर सकते हैं, उस केस में क्या होता है, दिस इज ऑक्सीडाइज इनटू वन टू थ्री फोर फॉर्मिक एसिड, कीटोन दैट मीन एसीटोन एंड फॉर्मिक एसिड इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। यस, सो दिस एसिड्स एंड कीटोन हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कंपेयर टू इनिशियली अल्कोहल। यस, तो बेसिक आंसर आपको लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी कंसिडर, अगर मैं रिएक्शन जो होती है क्या करते हैं, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल जैसे हमें दे रखा है, या कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे रखा है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग अल्कोहल्स दे रखे, वहाँ पे हमें क्या करना होता है, रिएक्शन को एल्डिहाइड तक ही स्टॉपेज करना है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम जो यहाँ पे जो मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनको अपन कंसिडर कर सकते हैं। कौन से, इफ़ वी कंसिडर CH3CH2OH दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, CrO3।
ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। फर्दर मोर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ओनली एल्डिहाइड मिलेगा, कार्बोक्लिक एसिड नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लर्न कीजिए आपको। यस, अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल को कंसिडर करें, हमें सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन तक ही बनाना है प्रोडक्ट, उस केस में भी हम क्या करते थे, CrO3 जो होता है बिलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, वैसे भी कीटोन तो इजीली ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। और टर्शियरी अल्कोहल के लिए इसको कंसिडर नहीं करते हैं, टर्शियरी अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता है। यस, या फिर हम क्या देखते हैं, PCC ले सकते हैं, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट जो होता है, वो भी क्या होता है, वो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिवली आपको ध्यान रखना है। हमने क्या किया है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल लिया जिसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर PCC कंसिडर कर रहे हैं। PCC ओनली एंड ओनली क्या करता है, अल्कोहल जो होता है हाइड्रोक्सिक ग्रुप है उसका ही ऑक्सीडेशन करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है अनअफेक्टेड रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो प्रोडक्ट इज फॉर्म हियर, यस, PCC जो होता है क्या करता है, पिरिडिन डाइक्लोरोक्रोमेट, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, क्लोरोक्रोमेट। यस, C5H5NH ClCRO3-, दिस इज PCC, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, दिस इज अ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओनली एंड ओनली क्या करता है, अल्कोहलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिक ग्रुप है, इसका ही ऑक्सीडेशन करता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन करता है, आगे एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये भी आपको लर्न करना है। क्रोमिक एसिड CrO3 लिया है, उस केस में भी क्या होता है, ओनली ओनली हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, फर्दर मोर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही अल्कोहल का जो होता है, अगर इसी को ही पार्टिकुलर यूज ले रहे हैं तो यही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यस, तो ये क्या था इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कंसिडर करें, वो भी ऑक्सीडेशन करें अल्कोहल का, कैसा करें, कैटालाइज ऑक्सीडेशन, या फिर इसको अपन ये भी कह सकते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन, कैटालाइज ऑक्सीडेशन कह सकते हैं या डिहाइड्रोजनेशन कंसिडर कर सकते हैं। This is also important. This process, this reaction can be used to distinguish between primary, second and tertiary alcohols. Yes, primary alcohol, tertiary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, or primary and secondary alcohols. Yes. So very important concept. If alcohols such as primary alcohols is heated with 573 Kelvin temperature in the presence of copper catalyst, then this gives aldehydes and evaluate hydrogen gas, and secondary alcohol is heated with copper catalyst at 573 Kelvin temperature, that gives ketones and hydrogen gas, while tertiary alcohols is heated with copper catalyst in the presence of 573 Kelvin temperature, that gives alkene and water molecule, that is dehydration. So this reaction is a very very important and useful reaction for the distinction between primary, secondary and tertiary alcohols. If we consider primary alcohol, any primary alcohol,
कॉपर कैटलिस्ट 573 केल्विन टेम्परेचर गिव्स एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन. इफ वी कंसीडर सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर कैटलिस्ट 573 केल्विन टेम्परेचर देन इट्स गिव्स कीटोन्स प्लस हाइड्रोजन गैस. यस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज नोन एज डीहाइड्रोजनेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज नोन एज डीहाइड्रोजनेशन. Yes, removal of hydrogen gas is known as dehydrogenation. So in the case of primary and secondary alcohols react with copper catalyst at 573 Kelvin temperature, primary alcohol gives aldehyde and secondary alcohol gives ketones and elevate hydrogen gas. This process is known as dehydrogenation, removal of hydrogen gas. And if we consider tertiary alcohol, similar conditions apply 573 Kelvin temperature. Then it gives alkane plus water. So tertiary alcohol is does not show dehydrogenation reaction. ये क्या कह रहा है, water का release होना, तो क्या बोलेंगे इसको, dehydration. Yes. So, secondary and primary alcohol show dehydrogenation process with copper catalyst and 573 Kelvin temperature, while tertiary alcohols gives alkene, that means show dehydration reaction, that means release water molecules. So therefore this process, this reaction can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols, very very important. Primary alcohols, copper catalyst 573 Kelvin temperature, aldehyde and hydrogen gas. Secondary alcohol, copper catalyst 573 Kelvin temperature, ketones and hydrogen gas. And tertiary alcohol, copper catalyst 573 Kelvin temperature, alkene water. So primary or secondary alcohol show dehydrogenation process or reaction, while tertiary alcohol show dehydration reaction. Yes, dehydration, that means removal of water, and dehydrogenation, that means removal of hydrogen gas. Now we consider examples. This is primary alcohol ethanol, copper catalyst 573 Kelvin temperature. So this gives aldehyde plus hydrogen gas. Aldehyde plus H2. This is aldehyde. And primary alcohol, that means 1 degree alcohol. If we consider secondary alcohol, plus copper catalyst and 573 Kelvin temperature to give acetone, that is ketone, hydrogen gas. Yes, hydrogen gas. And if we consider tertiary alcohol, copper catalyst 573 Kelvin temperature, alkene plus H2O, dehydration. यहाँ पे दोनों केस में हाइड्रोजन रिलीज हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है. दिस इज अ 2-methyl propentuol. यस, टर्शियरी अल्कोहल 3 degree अल्कोहल, दिस इज 2 degree अल्कोहल. And this is 2-methyl propane. Alkene banata hai 2-methyl propane. Yes. So very very important reactions of this.
Next, we consider distinguishing test between different types of alcohols. Different types के जो alcohols है उसमें distinguishing हमें करना है तो कैसे करते हैं? एक तो अपन ने ये जो पढ़ा इसको भी consider कर सकते हैं. Distinguishing test between different types of alcohols. Different types के alcohols है उसमें अपन distinguish कैसे करेंगे, क्या करेंगे? Different types, that means primary, secondary, tertiary alcohols. First अपन क्या करते हैं, catalyze oxidation करते हैं. कौन सा catalyze oxidation? Already हम इससे पहले तो discuss कर चुके हैं कौन सा copper catalyst की presence में oxidation कर रहे हैं. तो उसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं. आप इसको कंसिडर कर सकते हो कौन सा कैटलिक ऑक्सीडेशन. कॉपर कैटलिस्ट एंड 573 केल्विन टेम्परेचर इसको हीट करते हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करता है. टर्शियरी अल्कोहल शो डिहाइड्रेशन रिएक्शन. ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट. सेकेंड यूज लेते हैं ल्यूकास टेस्ट. प्रैक्टिकली जो है उसमें आपको वाइवा वगैरह के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर जो है बोर्ड में भी एक तो कंफर्म होता है कि डिस्टिंग्विशन का क्वेश्चन पूछते हैं कैसे करते हैं क्या होता है. यस, ल्यूकास टेस्ट कंसीडर कर सकते हैं. ल्यूकास टेस्ट का होता क्या है, जेड एन सी एल टू प्लस कंसोलिडेट एच सी एल का जो इक्वल मोलर जो होता है, जेड एन सी एल टू प्लस कंसोलिडेट एच सी एल होता है. दिस इज नॉन एज ल्यूकास रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ल्यूकास रिएजेंट. इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है दोनों की क्या होती है, इक्वल होती है. यस, इफ यू कंसिडर प्राइमरी अल्कोहल्स, और हमने क्या लिया है ल्यूकास रिएजेंट लिया है. इजिली रिएक्शन नहीं करता तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हीट वगैरह टेम्परेचर पार्टिकुलर जो होता है हाई टेम्परेचर वगैरह उसको अपन कंसिडर करते हैं. यस, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है इजिली रिएक्शन नहीं कर सकता है. यस, तो अपन ये भी ले सकते हैं क्या करता है, नो रिएक्शन ले सकते हैं रूम टेम्परेचर पर. नो रिएक्शन पर क्या आंसर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उस केस में रिएक्शन शो करेगा, कन्फ्यूज नहीं होना. रूम टेम्परेचर पर ल्यूकास रिएक्शन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है या फिर रिएक्शन होती है तो बहुत ही स्लो रिएक्शन जो होती है, प्रोडक्ट होता है ना के बराबर बनता है. हम क्या करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में थोड़ी बहुत रिएक्शन कर सकता है. यस, 30 या 40 मिनट्स बाद में जो है हमें थोड़ा बहुत कुछ प्रोडक्ट जो है वो मिल सकता है. सेकेंडरी अल्कोहल, ल्यूकास रिएक्शन लिया है अपने, ये क्या करता है, एल्किल हैलाइड जो बना के, ये तो कंफर्म है कि हम ऑलरेडी एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ चुके हैं. एल्कोहल बनाने का एचसीएल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सेकेंडरी क्लोरो एल्केन बनता है. ये क्लोरो एल्केन पे जो टर्बिडिटी ग्रुप बनती है वो क्या होती है, रिएक्शन जो करता है विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर जो रिएक्शन जो होती है. विद इन 5 मिनट्स में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकता है. क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड की टर्बिडिटी जो होती है. यस, इनसॉल्युबल जो उसको टर्बिडिटी बोलते हैं. वाटर में इनसॉल्युबल हो गई. यस, एंड टर्शियरी अल्कोहल कंसिडर करें. और
वाइस से हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ल्यूकास रिएजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। क्विक रिएक्शन कर देता है, इमीडिएटली फास्ट रिएक्शन कर देता है, कुछ ही सेकंड में जो है वो रिएक्शन कर देता है। विद इन फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड में रिएक्शन कर देता है, कुछ ही सेकंड में जो है रिएक्शन कर देता है। क्या बनेगा? वही इनसॉल्युबल टर्बिडिटी बनेगा, तो तीनों वही बने थे। यस, तो इनकी रेट टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो टाइम क्यों होता है, क्या होता है, वो डिफर होता है। प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल जो होता है उसका ल्यूकास रीजन के साथ में जो रिएक्ट्यूडिस करने का जो रेट जो होती है, ऑर्डर जो होता है या फिर बेसिकली टाइम जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है। प्राइमरी अल्कोहल कंसिडर करना है क्या होता है, ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता है, बेसिकली अपन कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है। हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर वगैरह अप्लाई करना पड़ता है। तो यूजली अपन लिखेंगे रूम टेम्परेचर पर नो रिएक्शन लिखते हैं, और हम यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर, उस केस में क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करता है तो कितने टाइम में करता है, लगभग 50 मिनट्स में, जो 30 से लेकर 50 मिनट्स के बीच में रिएक्शन होती है। यस, बनाता क्या है, वही इनसॉल्युबल टर्बिडिटी वाला बनाता है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड की फॉर्म जिसको कंसिडर करते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है क्या करता है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके 5 मिनट्स में रिएक्शन हो जाते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बनाता है, दैट मीन्स वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। टर्सरी एल्कोहल जो होता है क्या होता है, हमें यहाँ पे कोई अलग से कोई कंडीशन जो होता है, कैटलिस्ट वगैरह टेम्परेचर उसको अप्लाई नहीं करना होता है, रूम टेम्परेचर पे या बहुत ही वेरी लो टेम्परेचर जो होता है उस पर भी क्या होता है, कुछ ही सेकेंड्स में, सेकेंड ही लगते हैं, यहाँ पे मिनट लगते हैं, यहाँ पे काफ़ी टाइम लग सकता है, तो कुछ ही सेकेंड जो होते हैं इसमें क्विकली रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन करके क्या करता है, इनसॉल्युबल टर्बिडिटी देता है। यस, तो दिस इज अ ल्यूकास रिएजेंट और ल्यूकास टेस्ट। नेक्स्ट वी कंसीडर विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो आपको लाइन रखना है, ओनली आरबीसी वाले वही पढ़े, सीबीसी वालों को नहीं पढ़ना है। सीबीसी वालों को विक्टर मेयर टेस्ट उनके सिलेबस में नहीं है। सेकंड जो डिस्टिंग्विशन टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट। यस, ये ओनली आरबीसी वाले ही पढ़े इसको। विक्टर मेयर टेस्ट में आपको लर्न रखना है, क्या लर्न रखना है, आरबीसी, आरबीएससी, आरबीसी। आर का मीनिंग होता है रेड, बी का मीनिंग होता है ब्लू, और सी का मीनिंग होता है कलरलेस। विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है क्या करता है, रेड कलर का इनसॉल्युबल ऑयली कंपाउंड देगा। कौन देगा? प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या करता है, ब्लू कलर का इनसॉल्युबल। और टर्सरी अल्कोहल जो होता है क्या करता है, कलरलेस। विक्टर मेयर टेस्ट के साथ में जो क्या करता है, कलरलेस कंपाउंड या पीपीटी बनाता है। यस, ये आपको लाने का है। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या करना है, आरबीसी लाने का है। आर का मीनिंग होता है रेड। कौन देता है? रेड ऑयली कंपाउंड जो बनाता है, कलरलेस कलर, रेड कलर ऑयली सॉल्यूशन बनाता है, कौन बनाता है? प्राइमरी अल्कोहल। ब्लू कलर जो होता है कौन बनाता है? सेकेंडरी अल्कोहल। और सी का मीनिंग होता है कलरलेस, कौन देता है? टर्सरी अल्कोहल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरबीसी टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। अब होता क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट में किसको कंसिडर करते हैं? अगर 1 मार्क का पूछा तो आप इतना ही लिखोगे, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स रेड कलर पीपीटी, और ये रेड कलर पीपीटी जो होता है उसको क्या करता है, सॉल्युबल करते हैं किसमें, एल्कली मीडियम सच एस एनओसीएल। तो क्या करता है, ऑयली लिक्विड की फॉर्म में, वही कलर तो वही होगा लेकिन लिक्विड जो होगा ऑयली लिक्विड की फॉर्म में ही बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल
ब्लू कलर का पीपीटी देता है और इसको क्या करते हैं, एल्केली मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, वही ऑयली कंपाउंड मिलता है। और ये जो होता है टर्सरी एल्कोहल जो होता है वो वाइट पीपीटी देता है, और NaOH में या एल्केली मीडियम में डिजोल्व करे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। तो इनके अपन रिएक्शन को देखना चाहे या इसके स्टेप्स को कंसिडर करें तो थोड़े से लंबे स्टेप्स हैं, 3 या 4 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। यस, तो थोड़ा सा ध्यान रखना RBC वालों को स्पेशली। हम जो जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल को मैं क्या करूँगा, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ इसको हीट करते हैं। फॉस्फोरस एंड आयोडीन है, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। क्या बनेगा, ये अपन कंसिडर करें प्राइमरी एल्कोहल टू गिव्स एल्किल आयोडाइड्स। एल्किल आयोडाइड्स को हम क्या करें, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हीट करें, AgNO2 के साथ थोड़ा सा हीट करें। आयोडीन जो होता है रिप्लेस हो जाता है किससे, NO2 से, क्या बनेगा, एल्किल नाइट्रेट या नाइट्रो एल्किन। यस, नाइट्रो एल्किन को हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में। नाइट्रस एसिड या सोडियम नाइट्रस एक ही बात है, NaNO2 एल्किनी मीडियम लिया तो ये यहाँ से बना, बिकॉज हम आगे यहाँ पे जो लेते हैं क्या लेते हैं, एल्किली मीडियम को कंसिडर करते हैं। तो एल्किली मीडियम यहाँ से करते हैं तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा क्या मिलेगा, एक PPT मिलेगा किसका, यहाँ पे हमें कंसिडर करें मतलब एक, अगर हम कार्बन कंसिडर करते हो तो यहाँ पे हमें ये मिलता है। मैं एक एडिशनल कार्बन ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्या बनेगा, NO2 NOH। और इसका फर्दर हम क्या करते हैं, एल्केलिन मीडियम जो होता है NaOH होता है, NaOH में क्या करते हैं, सॉल्युबल होता है, डिजोल्व होता है। ये जो कंपाउंड्स मिला है, ये PPT मिला है, कैसा मिला है, ये रेड कलर का जो मिला है ये क्या करता है, सॉल्युबल होके क्या करता है, ऑयली रेड कलर। सॉल्यूशन बनाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, एक कार्बन यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो आप यहाँ पे चाहो तो CH2 कंसिडर कर सकते हो। यस, आप इसको ये कंसिडर कर सकते हो क्योंकि मुझे वहाँ पे एक कार्बन चाहिए था। ये नाइट्रस एसिड जो है इसको रिएक्शन ऐड कराने के लिए मुझे यहाँ पे कार्बन चाहिए था, मैं इसके साथ में ऐड, हालांकि इसमें कार्बन है तो इसको अटैच डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, तो आप इसको ऐसा भी से लिख सकते हो। सो दिस इज गिव्स प्राइमरी एल्कोहल टेस्ट। इफ वी कंसिडर सेकेंड एल्कोहल, सिमिलर प्रोसेस, रेड फॉस्फरस प्लस आयोडीन टू गिव्स सेकेंड आयोडो एल्केन, सिमिलर प्रोसेस, सिल्वर नाइट्रेट NO2 आर आगे नाइट्रस एसिड क्या बनेगा, आर NO2 आर। इसको अपन क्या करते हैं, एल्किली मीडियम जो होता है KMnO4 ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, इसमें डिजोल्व किया तो क्या बनेगा, ब्लू ऑयली कलर कंपाउंड या सॉल्यूशन कह सकते हो। एंड इन द केस ऑफ टर्सरी एल्कोहल्स, thank you.
NO2। अब ये NO2 जो होता है आगे रिएक्शन नहीं करता है, किसके साथ में? NaNO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो होता है ये रिएक्शन करने के लिए ये अल्फा कार्बन इसके साथ में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन ही नहीं होता है तो ये रिएक्शन नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हमें क्या मिलता है? वाइट PPT मिलता है या कलरलेस। इसके आगे ये रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन क्यों? बिकॉज यहाँ पे अल्फा एच है वो है ही नहीं, एब्सेंस है। यस, तो दिस इज अ विक्टिमियर टेस्ट। प्राइमरी एल्कोहल्स गिव रेड कलर सॉल्यूशन, ऑयली सॉल्यूशन या लिक्विड। सेकेंडरी एल्कोहल्स गिव ब्लू एंड टर्शियरी एल्कोहल्स गिव वाइट PPT या कलरलेस। वाइट PPT दैट मीन्स वो कलरलेस बना रहा है, किसके साथ? विक्टिमियर में। लाइन क्या रखना है? विक्टिमियर में फोर स्टेप्स होते हैं, फोर कैटलिस्ट के फॉर्म आप कंसिडर कर सकते हो। सबसे बेस्ट होता है फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, सेकंड जो होता है सिल्वर नाइट्रेट, थर्ड जो होता है क्या होता है? नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड का जो कंपाउंड्स बनता है उसको अपन क्या करते हैं? एल्कलाइन जो होता है NaOH है KOH है, उसमें क्या करते हैं? डिजोल्व करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? अप्रोप्रिएट जो भी हमें कलर या ऑयली सब्सटेंस या प्रोडक्ट मिला है वो मिलेगा। सो दिस इज अ विक्टिमियर टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। नाउ वी कंसिडर सम इम्पोर्टेंस फैक्ट्स या कंपाउंड्स ऑफ एल्कोहल या कुछ एल्कोहल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके इंडस्ट्रियल वगैरह जो है, लेबोरेटरी इंडस्ट्रियल मेथड वगैरह जो है वो हमारे इस बार जो है सिलेबस में नहीं है, तो उसको अपन नहीं कर रहे हैं। और अगर होगा तो एक बार RBC वालों का, CBC में तो कंफर्म नहीं है, RBC वालों का अभी तक सिलेबस कंफर्म नहीं हुआ, तो मैं इसको एक एक्स्ट्रा वीडियो जो इसमें डाल दूंगा। यस, नेक्स्ट वी कंसिडर करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में मैं कंसिडर करता हूँ एब्सोल्यूट एल्कोहल। वन मार्क के क्वेश्चन जो है कभी कभार पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन एब्सोल्यूट एल्कोहल? 100% प्योर फॉर्म ऑफ एल्कोहल्स इज नोन एज एब्सोल्यूट एल्कोहल। सेंट परसेंट प्योर एल्कोहल इज नोन एज एब्सोल्यूट एल्कोहल। यस, 100% प्योर एल्कोहल इज नोन एज एब्सोल्यूट एल्कोहल। सेकंड कंसिडर कर रहे हैं रेक्टिफाइड एल्कोहल्स। यस, एब्सोल्यूट एल्कोहल 100% प्योर फॉर्म ऑफ एल्कोहल। रेक्टिफाइड एल्कोहल, रेक्टिफाइड एल्कोहल में क्या होता है? 95% मिक्सर होता है किसका? इथेनॉल का, एंड 4.5% वाटर होता है। 95.5% क्या है? दिस इज इथेनॉल प्लस 4.5% ये क्या है? दिस इज वाटर। इसके मिक्सचर को अपन क्या करते हैं? इस मिक्सचर को हीट करते हैं, कितना टेम्परेचर देते हैं? 551.2 केल्विन टेम्परेचर इसका क्या करते हैं? डिस्टिलेट करते हैं। डिस्टिलेट करने के बाद में हमें जो अल्कोहल मिलेगा, दिस अल्कोहल इज नोन एज रेक्टिफाई अल्कोहल। यस, हम क्या करते हैं? 95.5% इथेनॉल लिया है, 4.5% क्या लिया है? वाटर का मिक्सर लिया है। इसको अपन क्या करते हैं? 351.2 केल्विन टेम्परेचर उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद में हमें जो न्यू जो अल्कोहल मिला वो कैसा है? उस अल्कोहल को बोलते हैं रेक्टिफाइड अल्कोहल्स। थर्ड वी कंसीडर
डीनेचुरेट अल्कोहल। अभी अल्कोहल जो था डीनेचुरेट अल्कोहल का मीनिंग होता है अल्कोहल जो होता है जिसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए अनफिट बनाना है, उस केस में हम अल्कोहल का क्या करते हैं डीनेचुरेशन कर देते हैं। डीनेचुरेशन के लिए क्या करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल मिक्स कर देते हैं। स्मॉल अमाउंट का मीनिंग यहाँ पे क्या यूज करना है लेस देन 0.1% 0.1% से भी कम मिक्स करना है, या फिर हम क्या करते हैं उसमें डाइज होती है कुछ कॉपर वगैरह इस टाइप की जो कॉपर की डाइज वगैरह जो होती है उसको क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं, तो उसका जो कलर जो होता है रेड ब्लडी कलर हो जाता है। कॉपर डाई वगैरह इसको मिक्स करते हैं उस केस में इस कलर जो होता है क्या होता है रेड ब्लडी कलर होता है, ब्लड कैसा होता है उस टाइप का कलर होता है यस, तो वो क्या होता है अनप्लेजेंट इस टाइप का लगता है। अल्कोहल जो इस टाइप और अभी जो हमें न्यू अल्कोहल मिला उसको क्या बोलते हैं डीनेचुरेट अल्कोहल होता है यस। हम क्या करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट का मीनिंग होता है लेस देन 0.1% मिथेनॉल इज मिक्स्ड टू अल्कोहल इथेनॉल। और हम क्या करते हैं कॉपर डाई वगैरह इसको भी मिक्स करते हैं। इसको मिक्स करने के बाद क्या मिलता है ये अल्कोहल जो नया अल्कोहल मिलता है इसको अल्कोहल को बोलते हैं डीनेचुरेट अल्कोहल। और ये डीनेचुरेट अल्कोहल जो होता है क्या होता है अनफिट होता है किसके लिए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। ये हमें ध्यान रखना है मिथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होना चाहिए। अगर 0.1% तक हमने लिखा कि लेस देन 0.1% 0.1% होती है मिथेनॉल जो होता है क्या करता है कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। 0.1% मिथेनॉल हमने मिक्स कर दिया है तो वो क्या करता है अगर उस अल्कोहल को किसी ने यूज़ ले लिया है तो क्या होता है ब्लाइंड हो जाता है अंधा हो जाता है। और अप टू 1% उसे बढ़ा दिया 1% तक कर दिया तो क्या होता है उस पेशेंट की डेथ हो जाती है मर जाता है वो यस। तो मिथेनॉल इतना ज़्यादा पॉइजन से हार्मफुल होता है टॉक्सिक होता है। फोर्थ वी कंसिडर पावर अल्कोहल्स। पावर अल्कोहल में हम क्या करते हैं बेंजीन ईथर एंड इथेनॉल। ये क्या होता है बेंजीन ईथर इथेनॉल ये तीनों का जब मिक्सचर होता है इसको किस में मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ में। यस ये जो बेंजीन ईथर इथेनॉल है इसके मिक्सचर को हम क्या करते हैं पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में हमें जो न्यू अल्कोहल मिलता है वो मिलता है पावर अल्कोहल। दैट मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे इसको अपन ये भी कह सकते हैं ये सब्सटेंस है इनको यूज़ ले सकते हैं किसमें एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल है इसको बढ़ाने के लिए भी यूज़ ले सकते हैं। सो सच टाइप्स ऑफ अल्कोहल इज नोन एज पावर अल्कोहल। तो ये कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट है यस। उसके बाद में अल्कोहल जो है इथेनॉल है मिथेनॉल इसका जो कॉमर्शियली यूज वगैरह जो है यस ये इस बार जो है वो नहीं पूछ रहे हैं। अगर एक बार कन्फर्म हो जाए इसका आरबीसी वाला सिलेबस तो सीबीसी में तो कन्फर्म है कि नहीं पूछ रहे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी यही रहेगी कि जो सीबीसी में जो कट ऑफ किया है वही आरबीसी का ही पैटर्न होना चाहिए मे बी बट आई एम नॉट श्योर। फिर भी अगर ऐसा होता है या ये हो रहा है तो 25-30 मिनट का ही टॉपिक होगा लेक्चर होगा तो मैं इसके वीडियो जो होता है टॉपिक के नाम वगैरह डाल के और वीडियो नंबर डाल के मैं इसमें और ऐड कर दूंगा। तो इस टाइप से हमारा जो अल्कोहल पोर्शन जो होता है क्या होता है वो आज कंप्लीट होता है यस। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे किसको करेंगे फिनॉल जो है उसको स्टार्ट करेंगे यस। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।